हेलो गाइस, आप देख रहे हो क्रिकेट द विशाल। गाइस, आज मौसम हो रहा है थोड़ा सा बारिश वाला। आपको थोड़ा सा अंधेरा लग रहा हो क्योंकि बारिश होने वाली है, थोड़ा मौसम ऐसा ही हो रहा है आज। पर टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करेंगे, जब आप टेनिस बॉल से बैटिंग करते हो, बहुत भाई ऐसे हैं जो टेनिस बॉल से खेलते हैं पर बैटिंग करते हो लाइन और लाइन जज नहीं होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा, बैटिंग करते हुए जब भी आप टेनिस बॉल से बैटिंग करते हो तो कैसे लाइन और लाइन जज करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको अच्छा बैट्समैन बनना है। अगर लाइन और लाइन जज नहीं होती तो इस वीडियो के बाद मैं 100% बोल रहा हूँ गाइज, लाइन और लाइन जज होना स्टार्ट हो जाएगी अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो। पूरा तरीका बताऊंगा कैसे बैटिंग करनी है, कैसे स्टांस लेना है, कैसे लाइन और लाइन अच्छे से जज होगी, कितना टाइम आपको लगेगा। तो बहुत यूज़फुल वीडियो होने वाला है आप सबके लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लाइन और लाइन जज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे सिंपल बात है, सबसे पहले बता रहा हूँ, लाइन और लाइन जज करने के लिए सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। गाइस, सिंपल सी बात है, अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो मैं 100% बोल रहा हूँ आप ज़्यादा अच्छा लाइन और लाइन जज करेंगे। अगर आप बिगनर हो, कम प्रैक्टिस करते हो तो मुश्किल हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा बॉल खेलनी है, उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा खेलनी कैसे। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिस करनी है तो करनी कैसे है जिससे आपका जजमेंट अच्छा हो जाए। जब भी आप प्रैक्टिस करो, चाहे आप लेदर क्रिकेट में स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आप टेनिस से खेल रहे हो, तो जज कैसे होगी, मतलब प्रैक्टिस करनी कैसे है। जब भी बॉलर रनअप पे होगा और बॉल छोड़ने वाला होगा, सबसे पहले आपको उसका हाथ रीड स्टार्टिंग से सीखना पड़ेगा। रीड स्टार्टिंग में नहीं होगा, स्टार्टिंग में आपको समझ नहीं आएगा कि हाथ रीड क्या बोल रहा हूँ मैं। उसका जब आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग बोला, आपको हाथ देखना है कि रिस्ट उसका कहाँ चल रहा है, मतलब ये रिस्ट आ रहा है सीधा आ रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, आपको जज करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, सबसे पहले जब आप स्टार्टिंग में देखोगे कि हाँ रिस्ट सामने जा रहा है, सीधा जा रहा है, तो बॉल उसका मतलब थोड़ा आगे आएगा। अगर रिस्ट का यूज़ कर रहा है बॉलर इसमें पटकने में, मतलब अपनी बॉडी यूज़ कर रहा है और रिस्ट अपने नीचे डाल रहा है, तो उसका मतलब छोटा बॉल आएगा, पीछे बॉल आएगा। सिंपल सी ट्रिक है ये, अगर आपने समझ लिया तो 100% बोल रहा हूँ आप लाइन टू लाइन जज करना सीख जाएंगे। अब आपने देख लिया बॉल पीछे है तो मोमेंट आपका क्या रहेगा, बॉडी का मोमेंट। अब आपको बता दूं, मैंने स्टंप लगाया हुआ है यहाँ पे, जैसे ये स्टंप है, थोड़ा आ गया जो कैमरामैन प्लीज भैया, थोड़ा आ गया हो आवाज़ भी, और थोड़ा आ गया हो। जैसे ये स्टंप हमारा लगा हुआ है, तो जब आप स्टांस लोगे, आपने बॉलर का देख लिया, बॉलर पीछे पिच कर रहा है, मतलब छोटा बॉल पिच कर रहा है, तो आपको पहले ही रेडी रहना है, आपको पीछे के लिए तैयार रहना है कि मुझे पीछे जाना है क्योंकि छोटा बॉल आने वाला है। अगर आपको लग रहा है शॉर्ट बॉल है आप उड़ा सकते हो, तो सीधा गाइस आपको उड़ाने के लिए जाना है। अगर आपको लग रहा है बॉल ज़्यादा पीछे है, ये सबसे सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ जो मैं भी अपनी बैटिंग में इंप्लीमेंट करता हूँ। जब भी बैटिंग करता हूँ मैं सीधा देखता हूँ, अगर बॉल मुझे दिखा बॉल पीछे आ रहा है, तो आपको इनिशियल मोमेंट जल्दी रहना है और जल्दी पीछे जाना है। जितना जल्दी आप पीछे जाओगे उतना अच्छा शॉट लगेगा। अगर आपको दिख गया बॉल आ गया, तो आपको फ्रंट फुट का यूज़ करना है, आपको पैर आगे निकालना है अगर दिख गया इस रेंज में बॉल है, क्योंकि उसी से ही आपका छक्का लगेगा, उसी से आपका डिफेंस होगा। पीछे जब जाओगे तो यहीं से आप कट लगा सकते हो, पैर जब पीछे ले जाओगे, और उसका आपको एरिया जज करना पड़ेगा। मतलब कैसे बोल रहा हूँ गाइस, जैसे मेरे पास कौन है, ये रहे मेरे पास कौन, इसको कैसे लगाना है। जैसे मैं यहाँ पे बैटिंग कर रहा हूँ, आप जब प्रैक्टिस करते हो, आपको जहाँ भी मौका मिलता है अपने घर में प्रैक्टिस करते हो, तो आपको आधे विकेट, मतलब जैसे गुड लेंथ होती है, उसके पीछे कौन लगाना है। ये रहा एक कौन मेरा यहाँ पे, ये लगा हुआ एक कौन मैंने यहाँ पे लगा लिया, इसके पीछे जो भी बॉल आएगा गाइज, इसके पीछे जो भी बॉल आएगा उसको आपको समझना है शॉर्ट बॉल है, और इसके जो आगे बॉल आएगा उसको समझना है कि आगे, मतलब इसके अगर उधर बॉल गिरा, आगे आ जाओ थोड़ा गाइज, मतलब कैमरामैन, इसके अगर आगे बॉल गिरा तो आपको फ्रंट फुट के लिए तैयार रहना है जब आप प्रैक्टिस करो, और बोल के कि हाँ बॉल आगे है, कि जब भी आगे गिरा तो आगे बोलना है, पीछे गिरा तो पीछे सोचना है, बोलना भी अपने मन में उससे आदत हो जाएगी। अगर पीछे गिरा तो पैर पीछे लेके जाना है, उसके बाद आप कट यहाँ से कर सकते हो, उसके बाद आप पुल यहाँ से कर सकते हो। ये सबसे ईजी ट्रिक है, जब आप बोल के खेलोगे तो आसान हो जाएगा आपका खेलना, और आपको पता चल जाएगा पीछे के लिए पुल मारना है, बॉडी पे आएगी, कट मारना है उधर आएगी, अगर आगे है तो फ्रंट फुट डिफेंस करना है, आगे से फील्ड ऑफ साइड मारना है। और उसके लिए गाइस सिंपल सा आपको बताऊं, आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने जो भी भाई बहन जो भी आपके घर में पेरेंट्स है, तो उसको उनको बोल सकते हो, या अपने आपके फ्रेंड है तो उनको बोल सकते हो, आपको थ्रो करें टेनिस बॉल से घर में ही, तो आप ऐसे कुछ भी रख सकते हो अगर कोई नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद आपको पहले बोलना है कि 20 बॉल पीछे डाले, तो उसके लिए आपको पीछे जाना है, बैकफुट जाना है, पुल मारना है अगर आपकी बॉडी पर आ रहे, कट मारना है, मतलब पीछे के लिए तैयार रहना है। और लाइन लाइन जज करने वाला सिंपल सा तरीका है, जो आप परेशान होते हो कि आगे जाएं या पीछे जाएं खेलने, ये सिंपल सा तरीका है। अगर 20 बॉल फिर बोलो आप कि आगे डालना है, जब वो आगे डाले तो आपको आगे के लिए तैयार रहना है, कि डिफेंस कर दिया, यहाँ से आप रूम बना के, मतलब अपना थोड़ा सा सेल्फ रूम बना के फिर मार सकते हो, ऐसे अपना ड्राइव लगा सकते हो, उसके लिए आपको तैयार रहना है।
तो ये आपको आइडिया हो जाएगा जब भी आप मैच में खेलोगे, ये आप एक मंथ करके देखो, उसके बाद जब भी आप मैच में खेलने जाओगे तो मैं गारंटेड बोल रहा हूँ बहुत मजा आने वाला है आपको और बैटिंग भी बहुत आसान हो जाएगी। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि पीछे की बॉल पैसे लगते हैं और सामने की बॉल पे आगे की बॉल पे मतलब पैसे लगते हैं। ये आसान सा तरीका है गाइज, खुद इंप्लीमेंट किया मैंने बैटिंग में, बहुत हेल्प हुई और आप भी जब भी करो। और प्रैक्टिस करना कितना है गाइज, आप 100 बॉल कम से कम करो, 100 पीछे 100 आगे, कौन और भी ज़्यादा लगा सकते हैं पर ये सिंपल से कौन लगाए। इसके बाद अगर और चाहिए कि और बताओ आप डीपली थोड़ा, तो उसके लिए कमेंट करो, मैं और डीपली आपको बताऊंगा, पर ये सिंपल से तरीका है, इससे आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। और वीडियो गाइज आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें, जब मोटिवेशन मिलता है जब आप लाइक करते हो और इतना सपोर्ट करते हो गाइज। इंस्टाग्राम पे भी अपने भाई को फॉलो जरूर कर ले, सेम अकाउंट है क्रिकेट द विशाल, वहाँ पे भी आपका सपोर्ट चाहिए, 10K होने वाले हैं जल्दी जल्दी, सपोर्ट करो, करा दो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़।